अरे रउआ घरे का चाहतो कि ना आई? अरे ना उ रउआ फिल्म देखे गईल रहनी ना, तो फिल्म इतना जल्दी कंप्लीट हो गईल। हाँ गईल रहनी फिल्म देखा, लेकिन रास्ते में एगो शूटिंग चलत रहा तो शूटिंग देखा लगनी। शूटिंग? हाँ शूटिंग। कैसन शूटिंग? हमरे ही करीबी लोग शूट करत रहा तो देखा लगनी। अच्छा दामिनी, पता हम शूटिंग में का देखनी? का? एगो मस्त रोमांटिक सीन हीरो हीरोइन के बीच। हीरोइन जो है ना घर पे बहुत सीधी सादी, भोली भाली, एकदम सीता जैसे, मतलब डिट्टो तोर जैसे अपने के मान। लेकिन अगर असल में देखल जाए ना तो वो हीरो के साथ गुलछर्रा उड़ा उतरा, कमाल का एक्ट, कमाल। वैसे तू तो शॉपिंग करेगा लन, तोर शॉपिंग बैग कहाँ? अरे वो का भेल ना, हमके कुछ पसंद ना आई, यही से हम कुछ ना लेने। हाँ तोहार पसंद ना पसंद, वैसे दामनी हम तोहरा के पसंद बानी की ना? रउआ के कोनो शक बका? अरे ना ना ऐसे कोनो बात ना, वो का है ना कि हम सुन ले बानी कि समुद्र के गहराई के नापल आसान होला, लेकिन कोनो औरत के दिल के गहराई के नापल बहुत मुश्किल होला। जे भी कहले बा एकदम गलत कहले बा, औरत के दिल के गहराई नापल बहुत आसान होला, बस ओकरा खातिर नजर चाहिए, और नजर सिर्फ प्यार करे वाला के पास होला। हम रउआ खातिर चाय बना के लिया बतानी। अरे भाभी बस करा, अरे हम भैल ना आदमी आई। अरे अच्छा से खाई, रउआ हीरो बानी हीरो। मतलब हीरो हतना खला। देखी खाना तो रउआ के घर पे खाए के नहीं खे, तो कम से कम नाश्ता तो बढ़िया से करके निकली घर से। हाँ एकदम ठीक कहलू। अरे हम तो इस सोच सोच के टेंशन में बानी कि जहिया तू मायके चल जाइबू तब बेचारू कुंवर बाबू के पेट कैसे भरी। चुपचाप खाई ना, भाभी कहाँ जाता रही? अरे तोरा के पता नहीं खे का दामनी के दिन रखा गई बा मायके जाए के। का भाभी ई का सुना तनी हम साचो जता रुका। कैसन ना हो सकला कि शादी के सालगिरह मना के जा? रवा के तो पता बना हमरा के घरे गईल ढेर दिन हो गईल बा, और वैसे भी मम्मी पापा के बहुत ज्यादा याद आ रहल बा, हम अभी ही मायके जाए प्लीज। हाँ भाभी भैया एकदम सही कहता रे, रुक जाना भाभी। तू रबू तो सालगिरह बढ़िया से मनावल जाई, डांस कर ली, पार्टी कर ली, खूब मजा आई। तू ना रबू ना तमार मन बिल्कुल ना लागी, रुक जाना भाभी प्लीज प्लीज भाभी प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, अच्छा बाबा ठीक बा, हम रुक जाता नहीं बस। गुड आइडिया बेटा, हम समधी जी के फोन कह के एहजे बुला लेता नहीं। अरे साले साहब तनी अप्पल तक खाली। हेलो हेलो दीदी प्रणाम। दीदी के बोला था? हम कविता बोला था नी। अच्छा मैथिली शरण गुप्त जी के कविता के हरिवंश राय बच्चन जी के कविता राव कुंवर जी के कविता? तो होश ठिकाने आ गए। सॉरी दीदी हम कुंवर के समझे में थोड़ा गलती कर देनी, और नादानी में राउर भी इंसल्ट कर देनी, हमके माफ कर दी। अब जब दीदी कह देलू तो माफ तो कर ही के पड़ी। थैंक यू दीदी। दीदी सुनी ना कौनो ऐसन चक्कर चलाई ना कि कुंवर भी हमके माफ कर दे। हाँ समझला हो गई चमत्कार। संडे के हमारे मैरिज एनिवर्सरी के पार्टी है। हाँ। तू बस आ जाइए, उखरा बाद सब कुछ अपना आप ठीक हो जाए। ठीक बा दीदी, हम जरूर आए। थैंक यू। हे देवरजी देवरजी। काबिल भाभी राउल लव की तो लॉटरी निकल गई। मतलब? मतलब हमके अभी ना कविता के कॉल आइल रहे, ओकरा के अपन गलती के एहसास हो गई बा, माफी मांगत रह लिया। हमके कहली दीदी कुछ चमत्कार करी ना, तो हम ओकरा के अपन मैरिज एनिवर्सरी के पार्टी में बुला ले। सच्ची? मुच्ची
अरे भाभी, आई एम सो हैप्पी भाभी। आराम से देवर जी। बहुत बढ़िया खबर सुनी है बड़ू। और रह गई बात हमरा माई बने के सपना के, तो हमार सपना जरूर पूरा हुई। सॉरी, वो बात तो हम आपके नहीं की बता सकत, काहे से कि वो हमरा और कुंवर जी के बीच के सीक्रेट है। अरे बाप रे बाप, इतना बेसब्री। I love you. I love you. I love you. God is great. आप लोगों के गम को मिटाने के लिए भगवान ने खुशियों का मरहम दे दिया है। She is pregnant. अनु, हमरा एगो बात समझ में नहीं आवत हो कि बिचारू हमार दुलरुआ बड़का साले साहब तो बच्चा पैदा कर नहीं खन सकत, तो फिर बड़की भौजी के पेट में कहां से? रुआ कहल का चाहता नहीं? अजी वो है जन रुआ समझता नहीं। हम ना सब समझता नहीं। रउआ के खोपड़ी में ना शैतान के घर बस गेल बा। रउआ के अच्छे से मालूम रहे ना कि राजन के इलाज चलता। हाँ। और वैसे भी दूसरा पे ना उंगली उठावे से पहले एक बार आपन गिरबान में झाक के देख लेवे के चाहिए। हम अपना गिरबान में का झाके? हम ऑलरेडी एगो पैदा कर चुकल बानी। और वैसे भी जब इस शरीर में आग लगे ला तो फायर ब्रिगेड बन जाला। खैर छोड़ा, इस घर में तो लगा था हमारे कोनो इज्जत नहीं है। चाहे वही मिली की ना? नहीं मिली। कौन बात ना? पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।